अस्सलामुअलैकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा व्लॉग जो है वो हम रोड से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई देख के गाड़ी चलना पड़ता है, वरना यहाँ पे स्टॉप वाला नहीं है। आज का जो हमारा जॉब है वो स्टार्ट होने वाला है वैन से। एक्चुअली वैन में काम कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे जाके स्टॉप होता है, सारा का सारा हम लोग सीन करने वाले हैं। सबसे पहले हम पार्किंग एरिया में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा वैन खड़ा है और ये है अमित साहब, आज बड़ी जोश से नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये वाली वैन होती है, इसी से हम लोगों को डिलीवरी करनी होती है, तो पूरा दिन इसी के ऊपर ही स्पेंड करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ डोर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आज देख एक वाटर बॉटल है और एक सॉफ्ट ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है। लाइक ये वाला कुछ सीन है यहाँ पे अंदर हमारा सारा। अब ये देखें, ये स्पेशल हम लोगों ने इसलिए लगाया होता है ताकि कोई भाई रात को आए ना, वरना यहाँ पे भाई बड़ा सीन होता है, तगड़े तगड़े नुकसान होते हैं जो कि हम लोगों को भरने पड़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह के नाम से आज का हमारा जो जर्नी है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को एक चीज बोलूं कि पूरा व्लॉग देखना, आज आप लोग काफी इंजॉय होंगे, काफी आप मजा करेंगे इस व्लॉग को देखने के बाद, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि हमारा जो पूरा पूरा डे है वो कैसे स्पेंड होता है। सबसे पहले ये था जो रिकॉर्डर, एक्चुअली ये गाड़ी के इधर लगता है इस जगह पे, तो इसकी जो है ना लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट रहती है। अब इसका बेनिफिट ये होता है, इन काफी सारे केसेस हैपन हो सकता है, काफी सारा बेनिफिट्स है। अभी इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ तो फिर जो है ना आप लोगों को दिखाता हूँ ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। यहाँ पे देखें, ये हमारा फिक्स हो चुका है। एक्चुअली ये बेसिकली ये रिकॉर्डिंग कर रहा है हमारी लाइव, चार चार मिनट पांच पांच मिनट की ये ऑटोमेटिकली ये क्लिप बन रही होती है। अभी ये देखें ऑफ इसलिए हुआ है क्योंकि ये अभी इसका चार्जर जो है यहाँ पे पुट करना है। ये 12 वोल्टेज वाला होता है इसका अपना। यहाँ पे ये देखें, ये डायरेक्ट हमने इसको प्लग इन किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑन, यहाँ पे ऑन होने के बाद क्या करेगा ये ऑटोमेटिक, देखें यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यही कुछ होता है, यहाँ पे वो रेड कलर हो गए तो अभी हमारी इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो स्टार्ट होगी। तो ये पूरा का पूरा दिन हमारा रिकॉर्डिंग करता रहेगा, अगर इनकेस कुछ भी हमारा हैपन हो सकता है तो ये सब कुछ इसके कैच में आ जाएगा। तो अब ये है हमारे जी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। कोई बंदे इधर पढ़ रहे हैं तो भाई कमेंट में आओ, पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताएं भाई, यूनिवर्सिटी के लिए ख्वाब देख रहे हैं। बाकी यूके का माहौल कुछ ऐसा है, अभी मॉर्निंग टाइम है, रश नहीं है क्योंकि हॉलीडेज हैं। हॉलीडेज में तो वैसे भी आपको पता है कि एक्चुअली नॉर्मल हो जाता है, रश कम हो जाता है। अभी हमारा यहाँ से तकरीबन इनका जॉब स्टार्ट हो जाता है, तो जॉब में टोटली क्या करना पड़ता है, जस्ट पार्सल जो है डिलीवर करने होते हैं, तो यही पूरा तकरीबन 8 घंटे का जॉब होता है। तो जब फिनिश हो जाए तो वापस घर आ जाते हैं। अभी वैन पूरा का पूरा खाली है और जब इसको पूरा का पूरा लोड कर लेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के पार्सल होते हैं। इसको छोटे छोटे होते हैं, जस्ट डिलीवर करने होते हैं होम में। जी भाई गाड़ी आ चुकी है हमारी लोड हो गए, आपको दिखाते चले भाई पार्सल कौन से हैं। तो ये इस टाइप के होते हैं, छोटी छोटी जो बुकें होती हैं तो स्मॉल एनवलप हो गए, ये हम लोगों को जस्ट पार्सल करने होते हैं। एंड साथ साथ कुछ इस टाइप की भी पैकिंग आ जाती है, ये हम लोगों ने उधर डिलीवर करने होते हैं। ये कुछ होता है जो कि आज का पूरा डे हमारा होने वाला है। कुछ अदर जो डिलीवरी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो कस्टमर को तो नहीं बीच में ला सकती क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी के खिलाफ होता है, लेकिन वैसे आप जनरल व्यू है वो आपको कराएंगे ये किस तरीके का काम होता है। काम वैसे तो अच्छा ही है लेकिन एक तरीके का टफ भी है काम, बंदा कंटिन्यूसली हर जो है ना हर रोज़ आपको यही काम रिपीटली करना पड़ता है। तो लेकिन यह है कि चलो बंदे का टाइम भी पास हो जाता है, अच्छा होता है मामला सारे। नेक्स्ट जो है ना आप लोगों को गाइड करता हूँ। यहाँ पे देखें 12:27 हो चुके हैं, हमारी जॉब फर्स्ट पार्सल डिलीवर करने का टाइम ये 12:27 में स्टार्ट होता है। देखते हैं आज हम कितने घंटे लगा के हम लोग अपना जॉब फिनिश करते हैं और फिर जो ना वापस घर की तरफ निकलते हैं। काम इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, कंटिन्यूसली हमको काम करना पड़ता है और जब फिनिश हो जाए वापस घर चले जाओ, बस इतना सारा काम। तो आज देखते हैं करना क्या पड़ता है। वो देखे भाई जो ना डिलीवर करके आ चुके हैं, जस्ट यहाँ पे रिंग करके ठीक है बंदा आता है वो अपना पार्सल रिसीव करता है, कितना सारा काम होता है। फर्स्ट हो चुका है भाई डन, तो आए देखते हैं अमित साहब क्या सोचते हैं। हेलो भाई साहब क्या सोच रहे हैं आज टुडे, व्हाट इज योर फीलिंग? फीलिंग इज टू कोल्ड, लेकिन आज ठंडी है इनकी फीलिंग्स। पार्सल देके आज माशाल्लाह आज काफी टाइट होने वाले हैं भाई। तो एरिया माशाल्लाह यार काफी कूल है भाई, मजे का है, पाकिस्तानी एरिया लग रहा है टोटली। अभी ना हमारे पार्सल काफी सारे फिनिश हो चुके हैं जिसमें आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये 1, 2, 3, 4, 5 हमारे बॉक्स रहते हैं, तो जैसे ये फिनिश होते हैं तो हमारा जो आज काम काफी सारा, आज काफी थकावट हो गई है इस काम की वजह से, फिर भी जो है ना चिल के न्यू स्ट्रीट हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो एक तो बंदा फ्रेश हो जाता है, दूसरी यहाँ पे ये आता है कि जब हम न्यू डोर ओपन करते हैं तो नए चेहरे देखने को मिलते हैं, ये भी एक काफी स्पेशलिटी है इस जॉब की। 5 हमारे टोटल रहते हैं बॉक्स, और इन 5 बॉक्सेज में यहाँ से क्या करना पड़ता है, जस्ट ये ओपन किया ऐसे, ये वाले हम लोगों ने पार्सल जो है ना आगे डिलीवर करने होते हैं। जॉब होती है
और आज हमारी वैन की भी हालत देख लो और चौधरी अमित साहब की भी देख लो भाई। इसको अभी हमारी जॉब हो चुकी है फिनिश, जस्ट 2 पार्सल बचे हैं जो कि सुबह के 2 चक्कर लगा चुके हैं। अभी तक वो बंदा घर में मौजूद ही नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये होता है कि जो बंदा घर पे मौजूद नहीं होता तो उनको जो है ना यहाँ पे ये गोरू को भी थोड़ी सी, तो जो बंदे घर पे नहीं है मौजूद तो उनको दोबारा से देना पड़ता है। अगर नहीं देंगे फिर जो है ना वापस कंपनी में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे ये सबमिट करा के फिर छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये कुछ सीन होता है। तो अभी हम ये ट्राई कर रहे हैं कि फिनिश हो जाए तो अच्छी बात है, वरना ये ना हो वापस जो है ना डिपो में जाना पड़े तो वहाँ पे ये वापस रिटर्न करने पड़े, कुछ ऐसे सीन होता है। अभी आपको गाड़ी का भी दिखाता हूँ एक्चुअली गाड़ी अंदर से कैसी है, क्योंकि जब मॉर्निंग टाइम थी तो उस वक्त तो नहीं दिखा सका आपको। लेकिन अभी चूँकि ये पूरा पार्सल हम लोगों ने डिलीवर करने के बाद सारा कुछ हम ली कर दिया गाड़ी, काफी सारा लगा हुआ है। अमित साहब आज कैसा फील कर रहे हो आप? आज अमित साहब तो बड़े चिल किया है भाई, पूरा एंजॉय, क्या ही बात है भाई। आज तो भाई पूरा दगड़ा दगड़ा लगा रही है भाई, मुझे तो काम ही नहीं करने दिया। कहते नहीं यार आज खुद ही खींच के रखो, इधर मुंह के अंदर ही है बस, छिक के रखो शीशे को। तो यारा जी हम आ चुके हैं वापस पार्किंग एरिया में, गाड़ी अपनी पार्क कर दी है, सामान अपना पिक करते हैं जो जो सुबह लाए थे, इसको हम करते हैं क्लोज। और ये देख लें भाई साहब, ये चीज थी ठीक है, ये पार्सल जो है ना, ये बैग थे पार्सल वाले। तो गाड़ी हमारी इधर आके पार्किंग में खड़ी होगी है। अल्लाह हाफिज़ करते हैं आप सबको, और थकावट काफ़ी ज़्यादा भी हो गई है और इन्जॉय भी काफ़ी किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।